हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इन सभी सेट को। ये कौन सा फॉर्म होता है जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये होता है रोस्टर फॉर्म। कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, 3, 6, 9, 12, यानी कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 12 तक, 12 से ऊपर नहीं लिखने हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसके लिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये देखो एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 12 और 12 से छोटी रहेगी और 3 से बड़ी रहेगी। तो यहां तक हमारा आंसर हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे तो लिख ही सकते हैं, जिसको ऐसे समझ नहीं आया वो ऐसे भी लिख सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n। ये 3n क्या है, यहां पर n की वैल्यू, अच्छा 1 रखो तो 3 1 3, फिर n की वैल्यू 2 रखो, 3 2 6, n की वैल्यू 3 रखो, 3 3 9, n की वैल्यू 4 रखो तो 3 4 12। यानी कि मुझे पता लगा कि जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू 4 और 4 से छोटी रहेगी और 1 से बड़ी रहेगी। लेकिन ये n है क्या, ये n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसा सिंपल लगता हो आप वैसा समझ लो, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। अच्छा ये तो हम ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 1 होती है, ये 2 की पावर 2 होती है, ये 2 की पावर 3 होती है, ये 2 की पावर 4 होती है, और ये 2 की पावर 5 होता है। तो हम इसको सही करके सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। मुझे पता है कि ये सभी 2 की पावर बन रहे हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। और ये n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, n की वैल्यू मैंने क्या कहा था, 2 की पावर 1 कर दो तो 2 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, 1 और 1 से बड़ी, और कहां तक रखेंगे, 5 तक रखेंगे, 2 की पावर 5 32 होता है ना, तो n की वैल्यू 5 और 5 से छोटी रहेगी। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5, 25, 125, 625। तो इसमें हम लिखेंगे x such that x is equal to 5 की पावर n। सेम क्वेश्चन देखो, 5 की पावर n, अब यहां पर n की जगह 1 रखो, n को हम क्या क्या रख सकते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, यहां पर मैं आपको रीजन साइड में देता हूं, देखो अगर मैं 5 की पावर n की जगह रखता हूं 1, मेरे पास 5 की पावर n है ना, n की जगह मैंने रखा 1 तो आंसर आएगा 5, n की जगह अगर मैं रखूंगा 2 तो क्या आएगा 25, n की जगह रखूंगा 3 तो क्या आएगा 125। इस तरह से मुझे पावर की पावर में 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है और 4 रखना है। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। तो यानी कि n की वैल्यू, n क्या है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 1 के इक्वल है और 4 से छोटी है और 4 के इक्वल तक रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलो ये हो गया इसका रीजन, मैं समझाने के लिए यहां पर साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट में देखते हैं, 2, 4, 6 डैश डैश डैश, यानी कि ये तो 2 का मल्टीपल चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू n, n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, आपका चलता रहेगा चलता रहेगा। तो n क्या है, n में हमें नेचुरल नंबर पुट करने हैं, यानी कि 1 रखो तो 2 1 2 आएगा, नेचुरल नंबर 2 रखो तो 2 2 4 आएगा, तीसरा एलिमेंट कैसे आएगा, 3 रखो, 3 2 6 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो यही हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। चलो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, 1, 4, 9 डैश 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 100 तक। हमारी लिमिट लास्ट में कहां तक जा रही है, 100 तक। तो यहां पर हो क्या रहा है, 1 कैसे आया, 1 का स्क्वायर, ये 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर, 9 कैसे आया, 3 का स्क्वायर, इस तरह से 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। यानी कि मेरे को
नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करना है। आप ध्यान से देखो, मुझे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करना है और नेचुरल नंबर 10 तक ही रखे जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा x such that x is equal to n का स्क्वायर, where n belongs to natural number, capital N denote करता है natural number को, और ये sign किसका होता है, belongs to का, ठीक है। और जो natural number है n है, उसकी value कहां से कहां तक रहेगी, उसकी value जो रहेगी n की value 1 और 1 से बड़ी और 10 और 10 से छोटी रहेगी। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको यहां पर चेक करा देता हूं, देखो n का स्क्वायर करना है, मैंने कहा ना n का स्क्वायर करना है, 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज रखनी है आपको। तो पहले 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 9, इस तरह से 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 100, और मेरा यही आ रहे हैं एलिमेंट, यानी कि ये मेरा हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें जो भी सेट दिए हुए हैं इनके एलिमेंट को लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, x such that x is an odd natural number, जो x है वो क्या है, odd natural numbers है। तो मैं a सेट को कैसे लिखूंगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये चलता रहेगा, ठीक है, कोई लिमिट तो है नहीं, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, x such that x is an integer, x क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स मैंने आपको बेसिक की वीडियो में समझाया था, अब इंटीजर्स लिखने हैं, माइनस के 1/2 से बड़े, 9/2 से छोटे। तो जरा ध्यान से देखो, 9/2 का मतलब क्या होता है, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 से छोटे, और 1/2 मतलब माइनस का 0.5, इससे बड़े नंबर लिखना है और इससे छोटे नंबर लिखना है। तो जरा ध्यान से देखो, मैं आपको नंबर लाइन पे इस चीज को समझाता हूं। अगर नंबर लाइन पर आप समझो, ये है 0, 1, 2, 3, 4, ये है 5, ठीक है, इधर चलते हैं तो -1, -2 ऐसे आता है ना। तो हमें नंबर कहां से कहां तक लिखना है, इन्होंने बोला माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आएगा यहां पर, और माइनस का 1/2, और दूसरा क्या था, 9/2, यानी कि 4.5 आएगा यहां तक। इनके बीच में आपको सभी इंटीजर लिखने हैं, तो इनके बीच में इंटीजर्स कौन से आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच में लिखने थे 4.5 से और माइनस के 1/2 से, इनके बीच में ये नंबर आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो नंबर लाइन पे हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे हमें लिखना है। तो हम इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी सेट है इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा आंसर। सी पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, सी सेट का नाम है सी, सी इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, एक्स जो है वो क्या है, इंटीजर है, एक्स क्या है, इंटीजर है, और एक्स का अगर स्क्वायर करो तो 4 से छोटा आता है या 4 के इक्वल आता है। तो देखो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी एक इंटीजर होता है, तो हमें ऐसे इंटीजर लिखने हैं कि उसका स्क्वायर करें तो 4 से छोटा आना चाहिए या 4 के इक्वल आना चाहिए। सोचो 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, 4 से छोटा होता है, यस, तो ये भी सेट के अंदर आएगा। 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से छोटा होता है, यस, ये भी करेक्ट है। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 के इक्वल आ सकता है, मैंने कहा था इक्वल आ सकता है, तो ये भी ठीक है। क्या 3 का स्क्वायर करने पर 4 से छोटा आएगा, नहीं, ये नहीं आ सकता, तो मेरा सेट इतना ही रहेगा। अच्छा अब नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक करें, क्योंकि इंटीजर तो क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक करें, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये मेरा हो गया आंसर। अगर आपको चेक करना है तो चेक करके देख लो, -2 का स्क्वायर करो क्या आएगा, +4, और ये 4 इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 4 होता है, यस, 4 जो है वो 4 के इक्वल है, तो इक्वल के लिए भी कंडीशन ट्रू है। तो यहां पर मेरा ये सेट होगा -2, -1, 0, 1 और 2। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं डी सेट है, डी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो लेटर लिखने हैं अलग अलग, LOYA। अब दोबारा से L लिखने की मत सोचना, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो यहां पर ये हो गया मेरा
डी सेट, इसको हमने लिख लिया अलग अलग करके, ठीक है। यहां पर देखो ई पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, हमें वो सभी मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो ई सेट का नाम है इसके अंदर, जनवरी में तो 31 होते हैं तो हम फरवरी लिखेंगे, मार्च में 31 होते हैं तो हम क्या लिखेंगे अप्रैल लिखेंगे, हमें वो लिखने हैं जिसमें 31 नहीं होते, जून में नहीं होते एक तो, और किसमें नहीं होते, जुलाई में होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, ठीक है। तो ये वो सेट है जो 31 डेज वाले नहीं है, ठीक है मंथ्स। एफ लास्ट पार्ट देख लो, ये कह रहे हैं एफ एक सेट है, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो नंबर बचते हैं ना ए बी सी डी में, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे लिखने हैं हमें कॉन्सोनेंट, ठीक है। के से पहले पहले, प्रीसीड्स मतलब के से पहले पहले, तो के से पहले पहले के लिख लेते हैं क्या क्या होंगे, एक तो होगा बी सी डी ई, नहीं होगा ई तो वोवल होता है ना, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे होगा, और के नहीं लिखेंगे क्योंकि के से पहले पहले के लिखने दें, तो के नहीं आएगा हमारे सेट में क्योंकि के से प्रीसीड्स बोल रहे हैं ना, तो के से पहले पहले के लिखना। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहे हैं मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, लेफ्ट में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म और इन्हीं की सेट बिल्डर फॉर्म राइट साइड में दी हुई है, आपको करना है मैचिंग, तो चलो चेक करते हैं, चलो यहां से पढ़ते हैं। x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, नहीं इसके इसको कहां मैच करेंगे, x एक प्राइम नंबर होना चाहिए, x एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर, 1 प्राइम नंबर होता नहीं है तो ये तो मैच होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं और 6 का डिवाइजर भी होते हैं, तो यहां पर हम मैच करेंगे इसको, ठीक है। सेकंड देखते हैं, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं, ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर, ये देखो आप देख सकते हो इस पार्ट में आ रहा है, तो ये होगा मैच इससे, ठीक है। आगे देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए यानी कि 6 का फैक्टर होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो ये देखो 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी और 6 भी, और ये सभी 6 के डिवाइजर भी हैं। ओके लास्ट पार्ट, अब ये एक बचा है तो एक के लिए तो यही होगा, ठीक है। तो हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।